कोरोना पीड़ित परिवार कोरोना से पीड़ित और शासन से भी पीड़ित हो गया। नव भारत समाचार देहरादून से आदित्य तोमर की रिपोर्ट। कोरोना पॉजिटिव के मरीज का मिलना सुनकर ही लोगों में सिहरन दौड़ जाती है कि अब क्या होगा। ऐसा ही एक मामला राजधानी देहरादून के सहस्त्रधारा रोड के डांडा लखोंड के विनायक एन्क्लेव में रहने वाले एक परिवार का आया है, जिनका बेटा मुंबई से देहरादून आया तो वह कोरोना पॉजिटिव हो गया। शासन को खबर दी गई, पुलिस आई घर पर और इस घर को क्वारंटाइन कर दिया है। कोई ना इनसे मिलेगा ना ही यह परिवार घर से बाहर जाएगा। ऐसा एक पंपलेट दीवार पर चस्पा कर अपने काम की इति श्रीकर इनके बेटे को लेकर क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती कर दिया। भर्ती होने की खबर जैसे ही कॉलोनी में आग की तरह फैल गई, दूरियां बढ़ने लगी। परिवार के मुखिया का कहना है, हम कोविड 19 के ऑफिस, पुलिस, निगम, क्षेत्र पार्षद सभी को फोन कर रहे हैं कि आप आकर घर को सैनिटाइज करने की कार्यवाही शुरू कर दीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। घर के लोग भी सैर सपाटे को निकल जाते हैं, जिससे कॉलोनी के लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। शासन भी इस क्षेत्र को भूल गया जान पड़ता है कि नहीं तो कॉलोनी पहले ही सील कर दी जाती। शासन को किसी बड़ी घटना का इंतजार है। सर आपका शुभ नाम? सबल सिंह कटारे। सर अभी क्या मामला आया था आपके आपके बेटे का? सर कुछ सुनने में आया था, पॉजिटिव आया वो। ये कहाँ से आए थे? ये बम्बई से आए थे। और कौन सी तारीख को यहाँ पे पता चला आपको? ये 21 तारीख को यहाँ आ गए थे ऋषिकेश में। हाँ जी, ऋषिकेश से हमने जो यहाँ का पार्षद है पंत, हाँ जी, उसको इतला कर दिया था। हाँ। तो उसने 23 तारीख को फिर पुलिस को बताया। ठीक है, हैं जी? हाँ जी। फिर 23 तारीख को फिर हम लोगों ने खुद उसको थोड़ा सा परेशानी हुई, हमने फिर डायरेक्ट उधर फोन किया। हाँ जी। कि मेडिकल टीम को। हाँ। फिर वही लोग आए 23 तारीख को, फिर शाम को ले गए। हाँ जी। फिर वो लोग ने जो कुछ भी किया होगा वो किया। तो अभी कब तक, जिस समय आपके बेटे को लेगा यहाँ से, तो उसके बाद में शासन ने आपके घर को क्वारंटाइन किया कि नहीं किया? नहीं किया, नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं किया। उस दिन से कोई कुछ फिर आए नहीं कोई। नहीं, मतलब जैसे आप बता रहे कि आपने उनको फोन किया था, मतलब कोई वहाँ से नहीं आया? ये आंगनबाड़ी वाली जो लेडीज आई थी ना उस दिन 23 तारीख को, हाँ जी, पुलिस भी आई थी 23 तारीख को। हाँ जी। तो वो लोग को फिर मैं फोन किया था, वो बोले ठीक करते हैं करते हैं बोले। तब फिर वो लोग ने भी कहीं फोन किया तो कोई सुनाई भी नहीं हुई उनकी भी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जैसे कि जिस घर से ऐसा कोई पेशेंट निकलता है तो उसके पूरे घर को मतलब सैनिटाइज किया जाता है, ढंग से अच्छे से करा जाता है। कोरोना में यहाँ किया नहीं है तो कोई आया नहीं ना, तो करना किसने? अच्छा, दूसरी बात, अभी कल तो जैसे आपके घर पर पूरा क्वारंटाइन किया हुआ है, अब घर के सामान की जरूरत होती है तो आप कैसे मैनेज करते हैं? फिर अभी मैंने क्या, उधर हम गए नहीं अब तक, ऊपर पड़ा हुआ ऐसे बंदी, कहीं नहीं जा पा रहे हैं आप लोग? नहीं, कहीं नहीं जा पा रहे। उस दिन से हम इसमें, जिस दिन से पॉजिटिव आई ना, हाँ जी, हाँ जी, उस दिन से हम लोग जा भी नहीं, दूध वाला यहीं आके हमको दूध देके जा रहा है। और कुछ बोलना चाहेंगे आप सरकार से? बस और कुछ नहीं बोलना, बस ये है कि कोई मतलब ये नहीं, देख रेख नहीं है कुछ।